हम लोग गोराई के गोराई गावथान प्रोग्राम में आए हुए हैं, जहां पर आज लोगों की पुरानी परंपरा को बचाए रखने के लिए आज घोड़ा बैलगाड़ी क्यों इस्तेमाल किया जाता उसके बारे में आज जाने आइए जानते हैं लोगों से कि उन्होंने इस घोड़ा गाड़ी जो परंपरा रखी गई है क्या कहते हैं उसके बारे में। बोरीवली के गोराई इलाके में गोराई गावथान प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने 40 साल 50 साल पुराने घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी की प्रदर्शनी लगाई। आइए जानते हैं। आणि तिथे एवढं सुंदर ह्या लोकांनी डेकोरेशन केलं आहे आणि इतली सुंदर लोक आहेत सगळे जे स्वीट बोलतात आणि पहिल्यांदाच आम्ही त्यांच्याशी भेटलो आणि आपलेपणा वाटला, आपुलकी वाटली। आम्ही बाजूलाच त्यांच्या आहोत, आम्ही पण म्हणजे ह्या गावचेच असल्यासारखं आज आम्हाला फील होत आहे आणि खूप सुंदर छान तुमची अशीच परंपरा पुढे जपत राहा तुम्ही, आम्ही सतत तुमच्याबरोबर आहोत। जेव्हा पण मार्गदर्शन आम्हाला आमचं लागेल किंवा जेव्हा पण आमची तुम्हाला हे गरज लागेल तेव्हा आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत। असंच तुमचं उद्याचं पण फंक्शन तुमचं खूप छान व्हावं आणि क्रिसमसच्या जगताप फॅमिलीकडून क्रिसमससाठी तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। कार्यक्रम झाला, फार जुनी परंपरा ही गोराईच्या लोकांची आणि फार बऱ्याच वर्षापासून चालली गेलेली आहे। गाव के अंदर एक पुरा जो धारावी बेट आहे उसके अंदर सब हमारा जो कल्चर घोड़ा गाड़ी ये सब कल्चरल हमारा जो है परंपरा उसके वजह से हम लोग उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। लग रहा है जो जो कुछ मैंने सुना है इस फंक्शन के बारे में, जो ये सुना है कि ये लोग जो सालों साल जो उनकी परंपरा शुरू है दैट दे ट्राइंग टू कीप इट टुगेदर एवरी ईयर और एवरी जनरेशन एंड आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं वो लोग। एंड आज कल्चर देखने मिला, इतना अच्छा डेकोर किया है लोगों ने पूरे अपने गुलक कार्ड्स का। जो परंपरा है वो हम दिखाने चाहते हैं, मीन्स गोराई में अभी भी लोग शौक रखते हैं घोड़ा रखने का, बैल रखने का, बैलगाड़ी रखने का, घोड़ा गाड़ी रखने का। और हमको दिखाना है क्या गोराई उत्तन मनोरी डोंगरी और बॉम्बे में हम लोग का टंगा वाला है कि हम लोग कभी भी ये शौक जो है वो बंद नहीं करेंगे, कभी हमारा चालू ही रहेगा। और अभी जो यंग जनरेशन वो और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, सो वी वॉन्ट टू प्रिजर्व दिस एज अ कल्चर। आपने देखा लोगों ने घोड़ा गाड़ी का प्रतियोगिता में भाग लिया, लोगों के मन में काफ़ी हर्षोल्लास था। आगे इस हर्षोल्लास को बढ़ाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रामकुमार गुप्ता, टाइम 24 न्यूज़, मुंबई।